शाहरुख खान की अगली फिल्म किंग को लेकर रोहित शेट्टी का बड़ा बयान आया है। बॉलीवुड में फिलहाल शाहरुख की फिल्म द किंग पर काफी चर्चा बनी हुई है। वहीं रोहित शेट्टी भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए किंग खान की जमकर तारीफ करते हैं। फाइनल दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म द किंग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दोस्तों, ताज़ा जानकारी ये है कि फिल्म का बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप के बुडापेस्ट में शूट किया जाएगा। किंग की कहानी गैंगस्टर ड्रामा के बैकड्रॉप पर होगी। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट के मुताबिक किंग के कुछ मेजर हिस्सों की शूटिंग बुडापेस्ट में होगी। हालांकि पहले तय किया गया था कि इसे यूके में शूट किया जाएगा, मगर बाद में इसमें बदलाव किया गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स का मानना है कि वास्तुकला और विरासत के नज़रिए से बुडापेस्ट ज्यादा रिच शहर है। यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें फिल्म के इंटेंस स्टोरीलाइन के बैकड्रॉप पर अच्छी लगेंगी। वही दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाहरुख खान अभी ऋतिक रोशन के पिता से भी मीटिंग कर चुके हैं। इस साल शाहरुख अपनी फिल्मों को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें ज्यादातर एक्शन फिल्में ही होगी। वही दोस्तों, शाहरुख की कंपनी की तरफ से बताया गया है वो रोमांटिक फिल्में नहीं करेंगे, अब सिर्फ शाहरुख एक्शन फिल्मों को साइन करने वाले हैं। खबरों की माने तो तीन बड़ी फिल्में शाहरुख करेंगे जिनको वो अनाउंसमेंट करने वाले हैं। इसके अलावा तीन बड़ी फिल्म शाहरुख खान के हाथ लगी है जिनका अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। दोस्तों, शाहरुख खान के लिए पिछला साल 2023 ब्लॉकबस्टर रहा। उन्होंने अपनी सभी फिल्मों से करोड़ का बिजनेस किया, जहां किंग खान ने साल की शुरुआत सिद्धार्थ आनंद की पठान और उसके बाद इटली की जवान की रिलीज के साथ की और साल का अंत राजकुमार हिरानी की डंकी के साथ किया। और अब इसके बाद वह अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में लग गए हैं। फिलहाल की अपडेट के मुताबिक किंग खान इस बात से बेहद खुश हैं कि उनका साल कैसा गुजरा।